शाम तक हमें फैसला नहीं देते तो कल हम वही हमारा वही जुलूस रहेगा, वही जो है गांधीवादी हमने छोड़ दिया। सरकार से बाहर मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे और बार बार हमें झूठ बोला जा रहा है। 60 दिन हो गए हमें बैठे हुए और ये कहते हैं हमारे भाई हैं। बाबू कहाँ भाई हैं? भाई होते तो एक बार तो आते, एक बार पूछने तक नहीं आया कोई। मांगे नहीं मानी जाएगी तो धरना जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा, अमरनाथन भी जारी रहेगा, इसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। मंत्रालय कर्मचारी पिछले 60 दिनों से जयपुर के सिपरापद मैदान में धरना दे रहे हैं। कई कर्मचारी अनशन में बैठे हैं, तबीयत भी बिगड़ी है, कईयों की तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई है। उसके बाद आक्रोशित कर्मचारी आज जयपुर में सिविल लाइन कूच कर दिया था और कूच करने के बाद मंत्री महेश जोशी के आवास पर पहुंचे थे। वहां पर पुलिस ने खदेड़ा तो यहां पर आरटीडीसी के चेयरमैन और कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ के निजी आवास है, वहां पर मंत्रालय कर्मचारियों ने डेरा डाला हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी है और यहां पर धर्मेंद्र राठौड़ से उनकी मुलाकात भी हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है, लेकिन फिर भी कर्मचारी है वो आक्रोशित है। महिला कर्मचारी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम राठौड़ साहब से बातचीत हुई, चर्चा का कुछ निष्कर्ष निकला? हमें बिल्कुल नील बटे नील रिपोर्ट मिली है। धर्मेंद्र राठौड़ जी को बेवकूफ बनाया गया है, जो एक महीने से धर्मेंद्र राठौड़ जी करते जा रहे थे कुछ नहीं, इसी पे हमें सहानुभूति छींटे छींटे देके भगा देगा। कमेटी का नहीं हमें आदेश दिए और आज धर्मेंद्र जी राठौड़ शाम तक हमें फैसला नहीं देते तो कल हम वही हमारा वही जुलूस रहेगा, वही जो है गांधीवादी हमने छोड़ दिया। यहाँ पे तो वो कह रहे थे कि हम तो खुद ही मैं खुद कर्मचारी रहा हूँ। झूठ बोल के झूठ बोल रहे हैं, दिखावा है, गुमराह कर रहे हैं। इतने कर्मचारियों को वहाँ से बुलाकर यहाँ पे कह रहे हैं कि चाय पियो नाश्ता करो, आदेशों पे बात नहीं कर रहे, हमें गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कब तक करोगे? हमारे 5 बाबू मर चुके हैं और 15 अंधेर में बैठे, 3 हॉस्पिटल में एडमिट है, 11 पहले क्या मांग रहे हैं? सरकार से गलत, सरकार ने जो कहा था वही मांग रहे हैं कुछ? सरकार से बाहर मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे और बार बार हमें झूठ बोला जा रहा है। 60 दिन हो गए हमें बैठे हुए और ये कहते हैं हमारे भाई हैं। बाबू कहाँ भाई हैं? भाई होते तो एक बार तो आते, एक बार पूछने तक नहीं आया कोई। 60 दिन हो गए थे यहाँ पर, आपके ही नेता यहाँ पर जो बातचीत हुई थी पूरा घी चोपड़ा हुआ था, आप मांगे इस तरह से लग रहे थे बात मन गई थी, फिर एकाएक क्या हो गया? कोई बात नहीं मानी, सिर्फ झूठे पे झूठ दे रहे हैं, एक भी बात नहीं मानी। मांगते तो हम नहीं आते, हमारे जानकारी में ये हमारे आंधी जैसे महालों में जगह जगह जाते, लेकिन हमारे आंधी में मर रहे हैं, तूफान में जा रहे। एक आदमी मर जाता उसके घर पहुंच जाते, हमारे 5-5 साथी मरे हैं, उनके घर पे कोई नेता साथ गए तो अभी तक बता दो। वहाँ पे हम लोग आए थे महेश जोशी सर से मिलने के लिए, जो कि हमें 3 दिन को आश्वासन देकर गए थे और ये कह के गए थे कि तुम अनशन तोड़ दो, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बाबू भाइयों को पीटा है पुलिस ने, मोबाइल छीना उनको, धक्का मुक्की की, उनको गाड़ी में भर के लेके गए लात घूसों के साथ में। इतना गलत हो रहा है बाबू के साथ में और सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि हाँ हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या हमारे मरने का वेट कर रहे हैं कि सब मर जाओ उसके बाद हम देंगे फैसला? देखिए मंत्रालय कर्मचारियों को दर्द है और यहाँ पर पुलिस का बड़ी संख्या में जाप्ता, अलग अलग टुकड़ियाँ पुलिस की तैनात की गई है, जो कि यहाँ पर जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको गाड़ियों में भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों की आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं मांगों पर जो निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद एकाएक वापस मंत्रालय कर्मचारी आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद का मजमा है वो आप देख सकते हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही है कि उन्हें धोखा दिया गया है, लेकिन आपकी ही बात भी हुई थी, आपने ही मांगे सामने रखी थी, फिर क्यों ऐसा बात हुई कि बात बिगड़ गई? बिगड़ी नहीं है, आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ से ये कहा है कि अभी मैं थोड़ी देर में CM साहब के पास जा रहा हूँ और 4 बजे तक मेरा 4:30 बजे तक आप वेट करिए, आज मैं आपका समाधान करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मंत्री के नाते नहीं, एक बाबू के नाते मैं आपकी पूरी पैरवी करके इसका आज ही समाधान करवाने। साथ ही बोल रहे धोखा दिया हमें? नहीं नहीं नहीं, जब तक यहीं बैठेंगे। मेरी निवेदन ये है, धोखा तो जब होता है, आज हम पहली बार धर्मेंद्र जी राठौड़ से जयपुर में बरोबर आओ। कितने दिन हो गए धरने पर? धरने पर हमारा एक वैसे तो 53वां दिन है महापड़ाव को और वैसे 61 दिन हो गए हड़ताल चलते हुए। फिर तब क्यों नहीं आए यही बाबू आपके? हम सर देखो मेरी बात सुनो, ये संगठन है और संगठन में एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो मुखिया के निर्देश होंगे वो एक एक बाबू को मानने पड़ेंगे। आदरणीय राज सिंह जी के बाद धर्मेंद्र जी से हो गए, उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से
जहाँ पर अनशन चल रहा है सिप्रापद वहाँ पहुँचे, हम उनका सम्मान करते हैं संगठन के नाते, वो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। उनकी बात मांगे नहीं मानी जाएगी तो धरना जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, अमरनशन भी जारी रहेगा, इसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये मंत्रालय कर्मचारियों के नेता थे जो यहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ से बातचीत करने में आगे थे, उन्होंने ही यहाँ पर बातचीत का सिलसिला है वो बढ़ाया था, लेकिन कई इनके साथी है मंत्रालय कर्मचारी हैं वो काफ़ी आक्रोशित है, उनका कहना है कि यहाँ आकर भी उनके साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।